आज आज उन्हें पुलिस वाले भी चोर नजर आने लगे, आज उनको अपने सगे चाचा चोर नजर आने लगे, आज उनको अपनी भाभी चोर नजर आने लगी। कल तक क्या था, कल तक क्या था? अरे ये भारतीय जनता पार्टी है, उन्हीं के मुंह से उन्हीं के चोरों के नाम गिनवा देगी। वो तो कहते हैं कन्नौज मेरा गढ़ है, यहाँ से तो मुझे भाजपा हिला ही नहीं सकती। अरे गढ़ कहाँ, 2017 में ही हम लोगों ने गढ़ उखाड़ के फेंक दिया था, सिर्फ कन्नौज सदर एक बचा था। चार एक इस लोकसभा की चार सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रही, भाजपा ने चार सीटों पर परचम फहराया। जो एक रह गया था वो भी ले गया, वो भी पूरा, वो भी पूरा हो गया, वो सर्जिकल स्ट्राइक, सदर में कमांडो आ गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। 20 तारीख को चुनाव है, वोट देने जाएंगी? वोट तो देंगे ही देंगे, वोट तो देंगे, इसको देने का सोच वो तो हमारे दिल में है, वो हम देंगे, वो मोदी को देंगे, फूल में देंगे, भाई मुझे फूल चाहिए, फूल चाहिए मुझे, हम पूजा करते, मुझे फूल की जरूरत, साइकिल नहीं चाहिए, मुझे साइकिल पे चलाने नहीं आता, बुजुर्ग पैर टूट चुके हैं, पैर टूट चुके हैं, नहीं चाहिए। पुलिस वालों की बदतमीजी की जो बात हो रही है कि तुम सा बदतमीज नहीं देखा, अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो क्या हाल है आपके एरिया में पुलिस वालों का, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं बदतमीज हो गए? उनके वो रात में 6 बजे से नशा कर लेते थे, अब आजकल घर से निकलना ही पा रहे हैं, इसलिए हम बदतमीज हुई गए, इसलिए पुलिस बदतमीज हुई गई। नहीं तो जनता के साथ भी बदतमीजी कर रही है क्या पुलिस? नहीं कतई नहीं, आप कोई एक पब्लिक का आदमी ले आइए, बस उन वो जिन जमीनों में जबरदस्ती कब्जा करे थे वो पुलिस ने छुड़ा के और गरीब आदमी को सौंप दिए, बस यही बदतमीजी कर रही है पुलिस, और कोई बदतमीजी कहाँ कर रही है। योगी या अखिलेश? अभी आप बात कर रहे थे कि अखिलेश जी नेक अच्छे, तो मैं आपके चेहरे की तरफ देख रहा था, पूछे क्यों? आपका बड़ा जैसे कड़ुआ खा लिया हो आपने, ऐसे मुंह बन रहा था, तो उनको ईमानदार ने कहने, जब आपका मुंह कड़ुआ हो जाता है तो हम लोगों की तो बात अलग है। कड़वा नहीं हो रहा था, देख रहा चेहरे की तरह, मैं आपका चेहरा देख रहा था, आप जब बोले नेक ईमानदार तो आपका मुंह कड़ुआ कड़ुआ हो गया। आजकल अखिलेश यादव ईमानदार पत्रकारों को भी तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये देखिए, आज वो पत्रकार भी चोर नजर आने लगे, आज उन्हें पुलिस वाले भी चोर नजर आने लगे, आज उनको अपने सगे चाचा चोर नजर आने लगे, आज उनको अपनी भाभी चोर नजर आने लगी। कल तक क्या था, कल तक क्या था? अरे ये भारतीय जनता पार्टी है, उन्हीं के मुंह से उन्हीं के चोरों के नाम गिनवा देगी, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये बताइए 10 तारीख को कौन आ रहा है, योगी या अखिलेश? योगी जी आ रहे हैं। अखिलेश यादव का कुछ चांस है? नहीं, 1% नहीं चांस है, नहीं 1% नहीं चांस है जी। बताइए, वो तो कहते हैं कन्नौज मेरा गढ़ है, यहाँ से तो मुझे भाजपा हिला ही नहीं सकती। अरे गढ़ कहाँ, 2017 में ही हम लोगों ने गढ़ उखाड़ के फेंक दिया था, सिर्फ कन्नौज सदर एक बचा था। चार एक इस लोकसभा की चार सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रही, भाजपा ने चार सीटों पर परचम फहराया। जो एक रह गया था वो भी ले गया, वो भी पूरा, वो भी पूरा हो गया, वो सर्जिकल स्ट्राइक, सदर में कमांडो आ गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, उखाड़ के खुद ही फेंक देगा। बुलडोजर चलेगी या साइकिल चलेगी? बुलडोजर चलना है, जो भी गुंडा माफिया परिवारवादी लोग हैं वो सारे इस समय सकते में पड़े हुए हैं कि क्या करूं, कैसे भी समाजवादी सरकार आ जाए, लेकिन बाबा ये लग रहा है कि बुलडोजर जो चलता है वो विकास को भी साथ लेके चलता है। बिल्कुल, विकास नहीं किया है ना हमने, पांच साल सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इस नीति से सरकार चलाई है, तो ये सब कौन आ रहे हैं माता जी? योगी आ रही है हमारी, फूल कमल का फूल। तो योगी बाबा आ रहे हैं? बिल्कुल, इधर अखिलेश यादव बोल रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं। वो बन रहे, बनते रहेंगे, उनने कुछ भी किया ही नहीं किसके लिए, अखिलेश यादव ने कभी नहीं किया, एक इंच भर नहीं किया। अच्छा, कन्नौज तो कहा जाता है उनका इलाका है, उनका गढ़ है, इलाका हो गढ़ हो कुछ भी हो, उनने कुछ भी नहीं किया, जितना मोदी ने किया उतना कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अखिलेश यादव तो कहते हैं चोर है, मोदी क्या चोर है, वो खुद चोर है, अखिलेश चोर है, बिल्कुल चोर है। वो तो अपने आप को यूपी की जनता का बेटा बता, करने से क्या होता है, बेटा होने से क्या होता है, जब बेटा तो होता है, जब कुछ करता करेगा वही देश पे राज करेगा। आज जो मोदी ने किया है सब पब्लिक उसके लिए वो है, और उसने क्या किया कुछ नहीं कही। अच्छा, अखिलेश यादव बहुत कुछ करने को बोल रहे हैं आप लोगों को, करने से क्या होता है, जब खेत की चिड़ैया चुड़ गई तो उसको डंडा हिलाने से क्या होता है, आप बताइए हमको, फिर क्या होता है? नहीं चाहिए आपको अखिलेश यादव? हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, हमको नहीं चाहिए। क्या था अखिलेश? अब जब अखिलेश ने कुछ किया होता तो हम जानते, आज हम भूखे मर रहे थे। आज जितना मेरे ओजगी ने किया, जोगी मोदी ने किया है, अखिलेश ने कभी कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एक राशन कार्ड भी बनवा देते या कहीं कॉलोनी भी दिला देते तो हम जानते अखिलेश ने कुछ किया है, कुछ नहीं किया।
कभी सुनवाई भी नहीं हुई। उनके जितने भी आते थे उनसे कहते थे ऐसा निकल जाते थे, माताजी आपके लिए कुछ नहीं, माताजी पे चिकनाई होती तो माताजी को करते, बुढ़िया के लिए क्या, बुढ़िया के लिए क्या करते, अखिलेश को ऐसी चाहिए थी। अच्छा एक एक और सवाल का जवाब देते जाइए, ये बताइए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस राज में, योगी राज में, योगी के राज में सुरक्षित, उनके राज में सुरक्षित नहीं थी। क्या होता था? यह होता था, अब आपको हम बता दें कि बहन बेटी जा रही, किसी ने पकड़ के खींच लाई, कहीं झूड़न में ले जा रहे, कहीं घर में चढ़ रहे, क्या अखिलेश ने किया? कोई शासन किया अखिलेश ने? पुलिस क्या करती थी? पुलिस क्या करती, जब पुलिस का बिचार, जब पुलिस का ही डंडा घुसेड़ा जाता तो पुलिस क्या करती? पुलिस क्या करती जब उसका ही डंडा घुसेड़ा जाता, पुलिस घूर भी नहीं सुनती थी। अभी ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं होता, अब नहीं होता है, अब बहन बिटिया सब मर्जी आती, इतने टाइम जाती हैं, इतने टाइम आती हैं। 20 तारीख को चुनाव है, वोट देने जाएंगी? वोट तो देंगे ही देंगे, वोट तो देंगे, किसको देने का सोच? वो तो हमारे दिल में है, वो हम देंगे, वो मोदी को देंगे, फूल में देंगे, भाई मुझे फूल चाहिए, मुझे फूल चाहिए, मुझे हम पूजा करते हैं, मुझे फूल की जरूरत, साइकिल नहीं चाहिए, मुझे साइकिल पे चलाने नहीं आता, बुजुर्ग पैर टूट चुके हैं, पैर टूट चुके हैं, पैर टूट चुके हैं ना, अब हमें फूल चाहिए, हम बुजुर्ग आदमी है, मुझे फूल की जरूरत। कौन आ रहे हैं 10 मार्च? इसमें कुछ कहने वाली बात है, किसी से पूछ लीजिए, वो बच्चा खड़ा है उससे पूछ लीजिए, ये बूढ़े खड़े हैं इनसे पूछ लीजिए, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी 350+ के साथ दोबारा फिर एक बार योगी बाबा की सरकार। अखिलेश यादव क्यों नहीं चाहिए मुख्यमंत्री? इतने ईमानदार, इतने नेक मुख्यमंत्री क्यों नहीं चाहिए आपको? इतने ईमानदार क्यों रहे? हंस लिए रहे कि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया ना, ईमानदार, ईमानदार नेक, ठीक है, भ्रष्टाचार का आरोप दिखा दो आप। कहा? अरे तो भैया नहीं था तो नहीं था तो शिवपाल सिंह काहे भाग गए थे? नहीं था तो काहे अब एक हो रहे हैं? अभी एक हो गए, फिर अभी अंदर सब खेल चल रहा है, ये सब उड़ जाएंगे। नशा किसका उतार रही है? कन्नौज की जनता। अखिलेश यादव ने कहा है कि असीम अरुण जो है उनका नशा उतार दो 10 तारीख। उनकी साइकिल के एक पहिया टूटो तो दूसरो टूट गो, अब कैरियलो लेके भाग गए। अबे कहो ना, 10 मार्च को केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही आएगा और कोई नहीं, कहीं कुछ है ही नहीं, एक तरफा है, जनता वोट मांग रही पब्लिक। आपने अपना नाम बताया मिश्रा जी, जी ये बताइए, कहा जा रहा है कि ब्राह्मण तो नाराज है योगी सरकार। कहाँ नाराज है ब्राह्मण? एक एक आप हर बात पे मुस्कुरा बहुत रहे, इसलिए ज्यादा ही नहीं, हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि ब्राह्मण तो मैं खुद हूँ और मैं समाज का ठेकेदार नहीं हूँ। बाबा ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास से जो ये 5 साल सरकार चलाई वो इतनी अच्छी चलाई है कि ब्राह्मण से लेके दलित वाल्मीकि तक हम सब एक हैं। पहली बात तो ये, मैं ब्राह्मण समाज में जन्मा जरूर हूँ लेकिन ना जातिवादी हूँ, ना जातिवादी मानसिकता का कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई मिलता है तो वैसे अखिलेश यादव हैं जो पिछड़ा पिछड़ा और दलित दलित चिल्लाते घूम रहे, अपर परशुराम मूर्ति खड़ी करी है फरसई गिर पर उनके ऊपर। तो इसलिए आप निश्चिंत रहो, हम गारंटी तो नहीं लेंगे किसी की, लेकिन 100% ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये